ये दोनों माँ बेटा आ जा आ जा आ जा, बाबू आ गया, इधर रखिए। चल चलिए स्कूल जा रहे बेटा। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। तो अभी हम यहाँ पे हैं, ये देखिए हमारी भाभी दोनों और बाबू भी है। बउआ हाय, हेलो, हाय करो, हाय करो, करो करो, हाय करो, हाय करो। तो ये कर रहा है, दोनों हाथ से हाय कर रहा है। और यहाँ पे इनको देखिए पूरा गप्पे लड़ा रहे हैं, यहाँ पे खूब मजा आ रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना। बस नहाए नहीं है पांच दिन से, नहाए नहीं है पांच दिन से ये। तो चलिए आज देखते हैं, आज इनको नहा भी देंगे। हमारे यहाँ तो लाइन भी कटा हुआ था, लेकिन अभी लाइन आया है तो पानी वानी भराया, पानी भी खत्म हो गया था। तो चलिए आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए। तो अभी हम और मेरी भाभी दोनों जा रहे हैं अपने भतीजा को स्कूल से लाने के लिए, और थोड़ा सा उसका फीस भी जमा करना है। तो अभी चलिए, बड़ा मोबाइल ही भूल गए, फोन है नहीं वो मेरे। हम लोग जल्दी जल्दी जा रहे हैं क्योंकि लेट हो गया है काफ़ी ज़्यादा, उनको नहाना भी था। तो उस चक्कर में भी देखिए यहाँ पे टोटो मिलेगा तो उससे बैठ के हम लोग पहुँच गए। रुक 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 आराम से। तो अभी हम लोग बैठ गए हैं टोटो में यहाँ पे। कितना जल्दी जल्दी में बैठे हैं हम लोग। अभी चलिए हम अभी देखते हैं कहाँ है वो, उसका छुट्टी हो गया होगा ना, कहीं गाड़ी पे आ नहीं जाए। हम लोग स्कूल पहुँचेंगे, अब घर पहुँच जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मेरा भतीजा गाड़ी से चला गया था, जा रहा था घर, तो मेरी भाभी देखी रास्ते में तो वो गई है लाने के लिए। वहाँ देखिए अभी आएगा वो, वो येलो कलर का जो गाड़ी है उसी पे है वो, देखिए ला रही है। वो देखिए लेके आ रही है। पूरा खुश हो गया होगा उसको, कल बोले थे हम और मम्मी दोनों जाएंगे तुम्हारे स्कूल। देखिए ये दोनों माँ बेटा, आ जा आ जा आ जा, बाबू आ गया, इधर रखिए। चल चलिए स्कूल जा रहे बेटा। ये देखिए दक्ष आ गया स्कूल से। मन लग रहा था स्कूल में? नहीं लग रहा था। तुम रो रहा था ना? चेंज पैसा लाइन में लिखिए, हम पेमेंट कर देते हैं, फोन है। तो अभी हम आ गए बुआ का स्कूल, ये देखिए हम लोग अच्छा खासा स्कूल बना दिया है। तो बहुत पूरे एरिया का बहुत अच्छा है। ये देखिए अभी हमारा दक्ष बाबू का स्कूल है, ये देखिए हमारे घर के बगल में ही खुला है ये स्कूल, काफ़ी अच्छा स्कूल है बच्चों के लिए। और हमारे मेनली है कि हमारे घर के बगल का ही स्कूल है ना, तो वो ज़्यादा अच्छा है। मेरी भाभी है, हम लोग इतना जल्दी जल्दी आए ना क्या ही बताए। चले घर चले। तो चलिए अभी हम चलते, ऑटो वाला याद है ना, मुंह देखे थे ना उसका। तो अभी ये देखिए अभी हम लोग जा रहे हैं, ये पीछे स्कूल का आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारा मतलब पेड़ पौधा भी लगाया हुआ है। और दक्ष पानी पीते पीते जा रहा है आगे आगे, बाबा धूप में कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर, दक्ष का फीस जमा हो गया है ना दक्ष, अब से डेली स्कूल जाना पड़ेगा। ना तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं घर जाकर, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। माँ बाप का खुशी बच्चे से होता है और बच्चा का खुशी माँ बाप से ही होता है। और क्या चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। तो अभी हम लोग आ गए हैं घर, बस पहुँच जाएंगे अब। अभी हम आ गए घर, चलो बाबू चलो। ये देखिए इसको खाते खाते घुस रहा है। अच्छा अच्छा रुको रुको, हम खोल देते हैं। आ गए आ गए, हम खोल देते हैं। दिख नहीं रहा है ना ठीक से धूप से। ओहो हो, गाड़ी से उतार के ले गए इसको। हाँ आ रहा था, तब गए इसको फी जमा करने, गाड़ी में बैठ गया ना।
तो फ्रेंड अभी हम चल रहे हैं किचन में और चल के देखते हैं हमारी भाभी जी क्या बना रही है। क्या बना रहे हैं जी? आलू टमाटर की सब्जी। यहाँ पे आलू उबाल लिए, ये देखिए आप लोग आलू छील के रख रहे हैं। और यहाँ पे क्या बना है सब में? कुंदरी का सब्जी, यहाँ दाल, मूंग दाल तड़का। और इसमें क्या है? ये देखिए कुंदरी का भुजिया है। लगभग वो सारा खाना बन ही गया ना? लास्ट है। हाँ बस ये लास्ट बचा हुआ है। सब्जी, सेवई, रोटी। हाँ यहाँ दामाद का खातिरदारी हो रहा है क्या? बिल्कुल दामाद का खातिरदारी होना ही चाहिए। हाँ बिल्कुल, बड़ा ससुराल के फायदे का। अब जहाँ पे तीन तीन भाभी और वहाँ पे ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। हम लोग का जब शादी हुआ था तब एक भी भाभी नहीं था, और अभी हमारी तीन तीन भाभी, अब तो और भी अच्छा लगता है। पहले तो बिल्कुल अब मायके आने का अलग मजा है। अलग मजा है। हाँ सही में है ना, ये भी लगता है ना कि मैं तीन तीन भाभी। और भाभी नहीं, मेरी बहन जैसी है, वो सब कुछ समझती है। एक लड़की है, एक लड़की। और रिश्ता ऐसा ही होना चाहिए ननद भाभी का, जहाँ पे लड़ाई भी हो, नोकझोंक भी हो, और प्यार भी उससे ज्यादा ही हो। कम नहीं होना चाहिए। हाँ। और अभी बनाया है, चाय बनाया है? नहीं चढ़ाएंगे बस। हाँ, आलू छील लीजिए, उसके बाद चाय। उसके बाद ही चढ़ाएंगे। तो अभी फिर चाय बनेगा सबके लिए, फिर हम लोग चलेंगे ऊपर और सब साथ में चाय पियेंगे क्या? और यहाँ पे चाय बन गया है, ये देखिए भाभी को चाय गिरा दे रहे हैं। वो गिर जा रहा है थोड़ा थोड़ा। अच्छा कोई बात नहीं, छकनी छोटा है ना इसीलिए गिर जा रहा है। तो बड़ा बना लो ना। बड़ा मतलब नहीं है ना सासू माँ। हम इसमें छका सकते हैं, उसके लिए बहुत बड़ा वाला चाहिए। यहाँ पे बहुत मजा आता है बाप। चलिए ऊपर की अभी चलेंगे बस थोड़ी देर में। हाँ, तब चाय ठंडा हम ले चले। बिल्कुल हम ही ले लेते हैं ये वाला। नहीं तो रुकिए, दवाई दे के आते फिर से आएंगे। ठीक है ठीक है बिल्कुल। ये दवाई आया है दक्ष का, क्योंकि उसके हाथ में घाव हो गया। हाँ तो मैं लगी लगी दक्ष को मम्मी पूरा हाथ धोने के लिए सिखा रही है, उसके हाथ में घाव हो गया बच्चा का। तो ये देखिए दवाई आया है, जा रहे अभी भाभी को देने के लिए दवाई। कहाँ है ये लीजिए दवाई आया, ये दीजिएगा। क्रीम न लगाइएगा उसको, क्रीम लगाइएगा तो पानी वाला है घाव, गड़बड़ हो जाएगा। यही लगा। हाँ अच्छे से अच्छी साफ करके, कुछ डिटॉल टॉल होगा ना उससे हल्का इसे सटा के पंखा में सुखा दीजिएगा, उसके बाद लगा दीजिएगा, पाउडर डाल दीजिएगा। और रात में या सोने टाइम जरूर दे दे, काहे कि स्थिर रहेगा ना तो असर करेगा। यहाँ भाभी हमारी बेडशीट बिछा रही है, ये वाला बिछा रही है, क्योंकि बाबू टॉयलेट वगैरह करता है तो कोई दिक्कत नहीं होता है क्या? इंटेलिजेंट भाभी है हमारी। इंटेलिजेंट भाभी है हमारी। तो चलिए भाभी को काम करने देते हैं और हम चलते हैं उस रूम में। और हम आ गए हैं यहाँ पे, पतिदेव जी फोन चला रहे, आ रहा है आपका चाय बन गया है। तो चलिए अभी चाय आता है तो फिर हम तो खाएंगे नहीं, हम थोड़ा सा बिस्किट खा लेंगे और ये भाभी दोनों मिलके चाय पियेंगे। तो अभी हम आ गए हैं खाना पीना खा के सोने के लिए, क्योंकि नींद बहुत ज़्यादा आ रहा है, पूरे दिन इतना ज़्यादा काम हो गया था ना। अभी तो वैसे भी सारा सब कुछ हमको अकेले ही करना पड़ता है, तो बहुत ही ज़्यादा थक गए और नींद आ रहा है बहुत। तो वैसे आज का दिन हमारा बाकी दो तीन दिन के मुकाबले काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि धीरे धीरे अब हमारा टाइम भी मेंटेन हो गया। नहीं तो दो तीन दिन से हो क्या रहा था ना, इनका एक्सरसाइज पूरा हो पा रहा था और बाकी दिन ख़त्म हो जा रहा था, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था।
आज लेकिन सारा सब कुछ इनका एकदम टाइम से हो गया और बाकी जितना भी ये एक्सरसाइज करते हैं वो सब कंप्लीट कर लिए। तो अच्छा लगा, ऐसा हमको लगा कि हम यहाँ पे रह ही नहीं पाएंगे। लेकिन हमारी भाभी लोग जो है ना, हमारी मम्मी, भाभी, भैया, हमारे घर के जितने भी लोग हैं ना, हमें बहुत हेल्प करते हैं और बहुत सपोर्ट करते हैं हमको, क्योंकि क्या बोले हम आप लोगों से। वैसे हमको अब अच्छा लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पे। और तो अभी हम सोएंगे, हमको बहुत तगड़ा वाला नींद आ रहा है। यहाँ पे पति देव जी भी है, ये देख सकते हैं, ये उधर घूम, देखिए इधर एक बार, ये देखिए इनको नींद आ रहा है हमको बहुत जोर से। तो यहाँ पे ये अपना फोन चला रहे हैं, हम अभी सो जाएंगे क्योंकि वो तगड़ा वाला नींद आ रहा है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, और आप लोग अपना ध्यान रखिए।